राधे कोई भी वास्तविक संत सारी सिद्धि उसके पास होती है लेकिन कभी चमत्कार नहीं दिखाया करता, क्योंकि वास्तविक संतों का एक सिद्धांत होता है, वो क्या? गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक अपने आप को छिपाओ छिपाओ छिपाओ। कोई भी वास्तविक संत ये नहीं कहते मैंने भगवान का दर्शन किया है, मैं ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हूँ, मुझको अपना गुरु बना लो, ये नहीं कहते। जितने भी संत हुए हैं, सूरदास जी, कबीरदास जी, नानक जी, तुकाराम जी, ये सब अपने आप को छिपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तुलसीदास जी अपने लिए क्या कह रहे हैं? मोसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कुटिल खल कामी और कौन हो सकता है, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। जिसने भगवत प्राप्ति कर ली वो पापी हो सकता है क्या? लेकिन नहीं, झूठ बोल रहे हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हरि हो सब पति तन कोटि को, अरे मैं तो पतितों का सरदार हूँ। अरे जिसने भगवत प्राप्ति कर ली वो पतितों का सरदार हो सकता है क्या? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हमारे श्री महाराज जी ने प्रेम रस मदिरा नामक अपने ग्रंथ में अपने लिए लिखा है, भयो को मोसम पतित बड़ो, अरे मुझसे बड़ा पतित और कोई नहीं हो सकता, अर्थात सबसे बड़ा पतित मैं हूँ। अरे जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, जो विश्व का पंचम मूल जगत गुरु है, क्या वो पतित हो सकता है? लेकिन नहीं, ये सब की सब संत झूठ बोल रहे हैं, हमको बहका रहे हैं, क्योंकि वास्तविक संतों का सिद्धांत यही होता है, गोपनीयम 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 प्रत्यतः, अपने आप को छिपाओ छिपाओ छिपाओ। और ये आजकल के बाबा लोग क्या करते हैं? चमत्कार दिखाते हैं। ये चमत्कार क्यों दिखाते हैं? प्रतिष्ठा पाने के लिए कि हम भी कुछ हैं, ये समझ लो, हमको अपना गुरु बना लो। तो कोई भी वास्तविक संत कभी भी सिद्धियों का चमत्कार नहीं दिखाया करता, लेकिन सारी सिद्धि उसके पास होती है। आज से 500 वर्ष पूर्व बहुत बड़े संत हुए चैतन्य महाप्रभु के जमाने में, संत हरिदास जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हरिदास जी जाति के यवन थे, मुसलमान, और वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करते थे। तो एक दिन गुंडों ने उनको पकड़ लिया और बहुत पिटाई की कि यवन होते हुए भी तू हिंदुओं के भगवान का कीर्तन करता है। बहुत मारा, इतना मारा इतना मारा कि वो खून में लथपथ हो गए, बेहोश हो गए, और उनको नदी में फेंक कर वापस आ गए। तो देखिए, हरिदास जी महापुरुष थे और उनके पास सारी सिद्धियां थी, ऐसा नहीं कोई सिद्धि नहीं थी, सब सिद्धियां थी, उन गुंडों का सब कुछ वो कर सकते थे, लेकिन हरिदास जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। बल्कि भगवान से क्या प्रार्थना की? हे प्रभु, इन लोगों ने मेरे प्रति जो दुर्व्यवहार किया है, इसका इनको दंड मत देना, बल्कि ऐसी कृपा करना जिससे इनका मन आपके चरणों में अनुरक्त हो जाए। ये महापुरुष होते हैं। तो कोई भी वास्तविक महापुरुष संसार का सम्मान नहीं दिया करता, सिद्धियों का चमत्कार नहीं दिखाया करता। तीसरा, कोई भी वास्तविक संत श्राप नहीं दिया करता। आपके पास कोई बाबा आ जाए आपके घर पर, आपकी दुकान पर, आपके ऑफिस में, और वो कहे
कि बेटा वो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, चारों धामों की यात्रा करनी है, तो जाइए बाबा जी, रोका किसने? तो बेटा ऐसा है कि मेरे टिकट का प्रबंध कर दे और वो 5,000 रुपया मुझे कैश कर दे, दे दे। तो अगर दे दिया तो ठीक है, और आपने नहीं दिया तो बाबा क्या कहता है? देख बच्चा, मैं जो कह रहा हूं वो कर दे, वरना वरना क्या महात्मा जी, वरना अर्थ हो जाएगा। आप डर जाते हैं, महात्मा जी ऐसा श्राप मत दीजिएगा, आप जो कहेंगे हम आपकी सेवा करेंगे। अगर ऐसा कोई बाबा बोलता है तो आप तुरंत समझ लीजिए ये कोई महात्मा आत्मा नहीं है, संतवंत नहीं है, ये तो ढोंगी पाखंडी है, और उसकी पिटाई कर दीजिए, कोई पाप आपको नहीं लगेगा। कोई भी वास्तविक संत कभी भी किसी के अमंगल की बात कर ही नहीं सकता। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया हरिदास जी को कितना मारा गुंडों ने, खून में लथपथ कर दिया, बेहोश हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा हे प्रभु इसका इनको दंड देना। वो क्या कह रहे हैं? हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए जिसका मन आपके चरणों में अनुरक्त हो जाए। तो कोई भी संत किसी के अमंगल की बात तो सोच भी नहीं सकता, बोलने की बात तो छोड़ दीजिए। तो वास्तविक संत श्राप नहीं दिया करते। आप लोग को शंका हो रही होगी मन में, क्या शंका हो रही है जी? हमने तो पढ़ा है कि जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, नित्य सिद्ध महापुरुष, उनको सनकादिक परमहंसों ने श्राप दिया कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनो। तो पहले सनकादिक परमहंसों के श्राप के कारण ये जय विजय 3 जन्मों में राक्षस बने। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने। तो आप कह रहे कोई भी संत श्राप नहीं दिया करता, ये हमने तो कथाओं में पढ़ा है, कुबेर के पुत्रों को श्राप मिला, ये सब ये कहानी क्या है, कथाएं क्या है, गलत है क्या? देखिए ये जो भगवान के राज्य की बातें है ना, इनको आप छोड़ दीजिए। ये जो कथाओं में आप पढ़ते हैं सुनते हैं कि उसने उसको श्राप दिया, उसने उसको श्राप दिया, तो वो ये बन गया, तो इससे किसी का अमंगल नहीं हुआ है, इससे सबका मंगल हुआ है। सनकादिक परमहंसों के क्रोध के कारण जय विजय 3 बार राक्षस बने, तो क्या हुआ? इनको मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए रामावतार लेना पड़ा, कंस शिशुपाल को मारने के लिए कृष्णावतार लेना पड़ा, नृसिंह अवतार लेना पड़ा हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। और जब रावण को श्री राम ने मारा तो रावण क्या कहता है? राम मैं तुमसे पहले तुम्हारे लोक में जा रहा हूं, तुम तो बाद में आओगे। भगवान के हाथों कोई मरेगा तो भगवान का लोक ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? तो रावण कहता है राम मैं तुमसे पहले तुम्हारे लोक में जा रहा हूं, तुम जब आओगे मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा। ये जो शास्त्रों में आप कथाएं पढ़ते हैं कि उसने उसको श्राप दिया, इससे किसी का अमंगल नहीं हुआ है, इससे तो सबका मंगल ही मंगल हुआ है। तो कोई भी वास्तविक संत कभी भी किसी को भी श्राप नहीं दिया करता।